हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई इस गेम प्ले का हमने पार्ट वन पहले से वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख ले। आज हम इस गेम प्ले का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आज हमने एक एलिफेंट को रेस्क्यू करना है जो कि जख्मी हालत में है। और अभी हम अपना ट्रक एलिफेंट के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसको पिक करना है और फिर रेस्क्यू सेंटर पर ड्रॉप करना है। तो चलिए, अपने ट्रक को कर दिया है हमने पार्क और यहाँ पर एलिफेंट को अभी इस पर पिक करते हैं। तो हम यहाँ पर पार्किंग का लोगो पूरा होने देते हैं और उसके बाद हम एलिफेंट को इस पर चढ़ाएंगे। और यहाँ पर अपने एलिफेंट को अभी हम ट्रक पर लोड कर रहे हैं। तो इस एलिफेंट को लोड आराम से करना हो गया ताकि ये गिर ना जाए, वरना हमारा मिशन हो जाएगा फेल। और यहाँ पर एलिफेंट ऊपर चला गया है, तो चलिए अभी लेके जाते हैं इसको रेस्क्यू सेंटर पर। गाइस, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दें और कमेंट में मुझे बता देना है कि आपको ये गेम प्ले वीडियो कैसी लगी। तो हमें अभी ट्रक बहुत ही आराम से लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एलिफेंट यहाँ पर काफ़ी ज़ख्मी हालत में है और यहाँ पर इसको रेस्क्यू करना है। तो बहुत ही आराम से हमें ट्रक ड्राइव करना पड़ेगा ताकि कोई झटके वगैरह ना लगे। और यहाँ से रेस्क्यू सेंटर भी काफ़ी फासले पर है, तो टाइम भी हमारे पास कम है, हमें टाइम के अंदर रहते हुए इसको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाना है। तो भाई अभी यहाँ पर बहुत ही केयरफुली और आराम से ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि एलिफेंट अगर गिर गया या ट्रक उलट गया तो हमारा मिशन हो जाएगा फेल और हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है, इसलिए बहुत ही एहतियात से हमें ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर एक बहुत ही लंबी चढ़ाई आ चुकी है जिस पर ट्रक बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, लेकिन हम इसको बहुत ही केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम और रेस्क्यू सेंटर तक हम अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो आज हमने सिर्फ यही एलिफेंट को ड्रॉप करना है इस गेम प्ले वीडियो में और कल इसका फिर थर्ड पार्ट भी अपलोड करेंगे। आपने वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना। और यहाँ हम रेस्क्यू सेंटर पर पहुँच जाए हैं और यहाँ पर अभी करते हैं एलिफेंट को ड्रॉप। तो ये हमारा हो गया मिशन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।